हमारे साथ इस वक्त ऐसे प्रत्याशी है जो नितिन गडकरी के सामने खड़े हैं और ये लड़ाई काफी फाइट लग रही है। हमारे साथ विकास ठाकरे जी। विकास जी, आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या भावना आपकी? प्रचार हो गया, मतदान शुरू हो गया और एक लोकतंत्र में मतदाता राजा होता है, वो किसे बनाता है ये शाम तक तय हो जाएगा। 4 जून को मतगणना है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। एक तगड़ी फाइट होने जा रही है, आपके सामने केंद्रीय मंत्री का आह्वान है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आया कि तगड़ा मतदाता होता है, मतदाता जो जनप्रतिनिधि चुन के देता है वो कभी भी इस लोकतंत्र में तगड़ा नहीं हो सकता। मतदाता के हाथ में अधिकार है, मतदाता को तय करना है कि जिसे चुन के दिया था उसने सही काम किया, जिस पार्टी को हमने चुन के दिए थे वो पार्टी लोकतंत्र के अनुसार चल रही है कि संविधान के अनुसार चल रही है या हुकुमशाह के तरह चल रही है, ये मतदाता तय करेगा। गडकरी बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इस बार फिर एक बार हैट्रिक मारेंगे। उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैं हूँ, इस बार गिराऊंगा उनको। कौन से मुद्दे पे गिराएंगे? कौन से मुद्दा ये जनता बताएंगी ना, आप कौन सा मुद्दा बताएंगे? आप कौन से अहम 5 मुद्दे जिन मुद्दे आप बोलो ना, आपके पास कौन सा मुद्दा है उनका कि वो जीतेंगे ऐसे मुद्दे पर? उनका आत्मविश्वास हमने, अरे उनका आत्मविश्वास तो मेरा भी आत्मविश्वास है, उनके बताइए ना मुद्दे। आप कोई वकील पत्र लेके आए क्या? आप मुद्दे बताइए उनके कि किस मुद्दे पे जनता ने इनकी सरकार को वोट देना चाहिए। क्या लोकतंत्र के अनुसार उनकी सरकार चली कि हुकुमशाह के तरह सरकार चली, क्यों वोट देना चाहिए, ये सवाल है। जानते हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ वैभव परब, ABP News, नागपुर।